सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोखान चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले व्लॉग देखने के लिए। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने स्कूटर्स के अंदर बाइक्स के अंदर एंटी थीफ गार्ड की किस तरीके से लगाएं। तो इसका बेनिफिट ये होता है, अगर कोई चोर आपकी गाड़ी चुराने की कोशिश करता है तो उसके साथ में कुछ ऐसा होता है। तो देखिए आप, सो आपने वीडियो देख के लगाया होगा कि इसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। तो बेनिफिट के साथ में तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखा देता हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखाता हूँ। तो अब देखिए आप इसका बॉक्स। तो गाइस ये है अपने पास में थीफ गार्ड का सिस्टम और ये पूरा बॉक्स आया हुआ है इसका पूरा कम्प्लीटली। और इसका मोटरसाइकिल अलार्म सिस्टम है ये, और की मॉडल इसका मतलब की वाला मॉडल है बेसिकली। इसके अंदर जो होगी की निकलेगी, दो की होगी, और ये मोटरसाइकिल अलार्म सिस्टम है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इसके ऊपर मोटरसाइकिल्स वगैरह बननी भी है पीछे से कुछ इस तरीके से। तो ये रजिस्टर्ड है, ये जो कंपनी है मतलब कि चाइनीज़ वगैरह है नहीं ये। और ये देख पा रहे हो इसकी एंटी थीफ्ट हेल्प फंक्शन है जैसे कि आप देख पा रहे हो इस पर। जस्ट मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे हो ये इसके अंदर बताया गया है कि इसकी की फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क करती है। तो मतलब कि अपने जो की पे जितने भी बटन है सबका फंक्शन ये बताएगी कितने सेकंड पे दबाने से क्या होता है और कैसे ये अपडेट होगी और कैसे ये मतलब फंक्शन होगा। तो खोलते हैं अब इसको बॉक्स को। तो बॉक्स को खोलते हैं तो बॉक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो जैसे कि अब मैं निकालता हूँ इसका बॉक्स, तो अब ये मिल जाता है हमारे को एक ब्राउन कलर के बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं अब इसको खोल के। तो खुल जा सिम सिम, तो देखने को मिल जाती है दोस्तों हमारे को इसकी वायरिंग हार्नेस और दो इसके अंदर की है और एक है अलार्म और एक है स्पीकर। बेसिकली एक अलार्म है जब हम अपनी गाड़ी वगैरह ढूंढेंगे तो हमारा ये वाला वर्क करेगा, और ये है हमारा टॉकिंग। मतलब अगर कोई आपकी गाड़ी पे आके बैठता है या कुछ छेड़खानी करता है तो ये अलर्ट देती है। तो इसके अंदर से काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है, तो मैं आपको भी सुनाने वाला हूँ उसकी आवाज़। और उसके साथ में मिलता है हमारे को एक इसका ECU है। ये इसका ECU है मतलब जो सारे फंक्शन जिससे हमारे कनेक्ट होने हैं। तो अब इसको रखते हैं साइड में, और साथ ही साथ मिल जाती है हमारे को इसकी एक मोटरसाइकिल सिस्टम डिवाइस की मैनुअल गाइड। तो इसके अंदर दिया गया है कि कौन सी वायर कैसी लगनी है। तो अभी तो आप मेरे साथ में हो तो मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल इजी वे में कि आप कौन सी वायर को किस तरीके से कनेक्ट करिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो और आप तुरंत के तुरंत इसको लगा लीजिए। और पीछे भी देख पा रहे हो इसके कुछ यही सब दिया गया है। और ये मिल जाती है इसकी एक डबल टेप, तो ये ECU के पीछे हमारी डबल टेप चिपक जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। और आ जाते हैं हम इसकी की तरफ। तो की में सबसे अच्छा फंक्शन मेरे को ये लगा कि इसकी आप देख पा रहे हो इसकी ये जो इसका फंक्शन है ये खुलने वाला, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अभी देख पा रहे हो इसके अंदर कोई की का डिज़ाइन वगैरह नहीं बना हुआ, मतलब कि जो होता है अपने की का साइज़ वगैरह तो है इसके अंदर बट डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ कि सबका की का साइज़ अलग अलग होता है और जो उस पर खांचे बने होते हैं चाबियों के वो भी सबके अलग अलग होते हैं। तो दोनों में आप देख पा रहे हो तो दोनों में नहीं बने हुए। आप अपनी स्कूटर में लगाऊंगा इसको तो स्कूटर में लगा के बता दूंगा मैं आपको। और इसके में डिज़ाइन वगैरह जो होता है इसका मतलब जो इसकी घाटे बनी हुई होती है तो वो भी बनवा लूँगा मैं, तो आपको इसी वीडियो में दिखा दूँगा मैं। और इसके अंदर वायरिंग का भी ज़्यादा झमेला नहीं है, तो वायरिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कितने वायर हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 वायर्स है इसके अंदर। तो इसका भी मैं आपको बता दूंगा एकदम इजी वे में, तो आपको कौन सी वायर किसको कनेक्ट करनी है। तो चलते हैं अब अपने स्कूटर की तरफ और इंस्टॉल करते हैं इसको। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को, तो जो इसकी क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। और ये जो रिमोट है इसका तो मैं फ़ैन हो गया, ये देखो।
मतलब एक जो कार वाली फीलिंग होती है ना पकड़ने पर, वैसी फीलिंग आती है इसको। तो चलते हैं अब इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो एंटी थेफ अलार्म लगाने के लिए हमने इसके जो फेयरिंग है, तो फेयरिंग खोलना है, तो उसके लिए हमें ये स्क्रू, एक ये स्क्रू, दो नीचे के स्क्रू और एक नोज कवर का स्क्रू जो होता है, तो एक ये नोज वाला जिसे हम गले का स्क्रू बोलते हैं, और हमने खोलनी है आगे नोज कवर इसका। तो नोज कवर खोलने के लिए एज यू कैन सी यहाँ पे एक स्क्रू एक इधर और दो नीचे की तरफ है इधर, तो ये स्क्रू हम खोलते हैं। तो उसके बाद में हम लगाएंगे इसके अंदर अलार्म। तो हमने अपना स्कूटर की जो आगे की फेयरिंग वगैरह है वो हमने खोल ली, तो अब कनेक्शन करते हैं हम। तो कनेक्शन बताता हूँ मैं आपको इसके किस तरीके से होंगे। तो हमारी 8 वायर्स थी जिसके अंदर हमारी काम की सिर्फ 5 वायर हैं, तो हमने निकाल देनी है एक तो ग्रे वायर को, ऑरेंज वायर को और एक पिंक वायर को, और बसती है हमारी सिर्फ 5 वायर। तो 5 वायर का मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। तो ये जानी है हमारी दोनों इंडिकेटर्स पे येलो वायर, और ब्लू वायर जानी है हमारी सेल्फ के स्विच पे, और ये जानी है हमारी पॉजिटिव और एक बैटरी के नेगेटिव। तो बहुत इजी से कनेक्शन है। तो हमने 3 वायर को बाहर निकाल देना है, और जो हमारी 5 वायर है तो 5 वायर के कनेक्शन सिर्फ हमने अपनी गाड़ी के साथ में करने। तो करते हैं अब कनेक्शन भी। तो ये है हमारा इंडिकेटर, तो मैंने अपने फेयरिंग में से निकाल लिया। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इसके अंदर लगाने का। तो इसके अंदर लगाने से फ़ायदा ये होता है, जो काफ़ी लोग होते हैं अपनी वायर यहाँ से काट देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ होती है यार, काटनी हमारे को बिल्कुल नहीं है अपनी चीज़ों को। तो देख पा रहे हो ये बेस्ट तरीका होता है लगाने का। तो लगाने के लिए हमने एक वायर को थोड़ा लंबा सा छीलना है। तो छीलने के बाद में आपने लेना है जो इसका ब्लू कलर का वायर है, तो ब्लू कलर का इसका वायर है वो पॉजिटिव है, और इसको हमने इसके अंदर लगा देना है जस्ट इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसको पीछे की तरफ ले जाने के बाद में जो हमारा इंडिकेटर था, तो इंडिकेटर को लेना है हमने इसके अंदर, बस इस तरीके से लगा दीजिए और ये अपना काम है वो हो जाएगा। तो इस वायर इसको आप बल्बों को देखना है कि एक हमारा लेफ्ट में लगना है और एक राइट का, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वायर का कनेक्शन चल सकता है लेकिन बल्बों का नहीं चल सकता, तो आप ज़रूर इनको बल्बों को ध्यान से लगाइएगा। तो अब कनेक्शन आ जाते हैं ऊपर से। तो ये हमारा सेल्फ की बटन में लगना है, तो सेल्फ के बटन में भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ बिना कोई वायर कट करे। तो ये हमारा सेल्फ का स्विच, तो इसको हमने निकालने के लिए पीछे लॉक दिया होता है, तो लॉक में आपको दिखाता हूँ। तो ये है पीछे स्विच का, तो आप देख पा रहे हो इसके साइड में एक लॉक होता है, तो आप उसको लॉक को अंदर की तरफ दबाइए और इसको बाहर की तरफ पुश कर दीजिए, तो इससे क्या होगा जो हमारा स्विच है वो पीछे की तरफ धकेलने से बाहर आ जाएगा। तो मैं आपको निकालने के बाद में दिखाता हूँ इसके अंदर हमारी जो कौन सी वायर है वो पॉजिटिव वायर है, और हमने कौन सी वायर को किससे कनेक्ट करना है। तो ये आ गया हमारा सेल्फ का बटन, तो ये जो लॉक है इसके बाहर निकालने। अब हमने लेनी है इसके अंदर ब्लू वायर, तो ब्लू वायर हमने लगानी है, ये येलो कलर के वायर है और जिस पे रेड स्ट्रिप मतलब रेड लाइन आ रही है, तो इसके अंदर हमने लगानी है। तो लगाने के लिए भी बेस्ट तरीका, और इसको पीछे लगा दीजिए कुछ इस तरीके से, और इसको वापस लगा दीजिए। तो देखा आपने कितनी इजीली तरीके से ये कनेक्शन इसका हो गया स्विच से। तो अब हम आगे से कनेक्शन है वो करेंगे। तो सारे कनेक्शन मैंने अच्छे से कर दिए, तो आप देख पा रहे हो बैटरी पे दोनों लग गए पॉजिटिव और नेगेटिव, इंडिकेटर्स पे भी लग गए, और जो हमारी जो बाकी वायर है वो हमने काट दूंगा, और जो सेल्फ की वायर थी तो हमने सेल्फ की वायर भी लगा दी। तो आपको कनेक्शन बताता हूँ मैं आपके। तो कनेक्शन हमने ये जो बड़ा वाला सॉकेट देख रहे हो, तो इसके अंदर हमारा ये स्विच लग जाएगा, तो ये लग गया।
और दो बस्ते हमारे, एक वाइट वाला और एक ब्लैक वाला, तो इसको भी लगा लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा वाइट के साथ में तो वाइट सॉकेट लगेगा और ब्लैक के साथ में हमारा ब्लैक सॉकेट लगेगा। तो इसके पीछे आप देख पा रहे हो, तो इसके पीछे लगी हुई है डबल टेप, तो डबल टेप छुटा के मैं लगा दूंगा इसको, इसके आगे कहीं पे भी लगा दूंगा और इसके पीछे भी मैं डबल टेप लगाऊंगा, क्योंकि इसके साथ में दी गई है डबल टेप जो इसके बॉक्स के अंदर रखी है, तो इसको भी लगा लेते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा बाय करने की ज़रूरत नहीं है डबल टेप, क्योंकि इसी के साथ में मिल जाती है, तो इसको लगाते हैं हम। अभी इसको साफ करके पीछे लगा लीजिए। और इसको जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ चिपका दीजिए, क्योंकि हमारे को स्पीकर्स वगैरह इसके जो है तो ये भी लगाने हैं, तो इसको हम कर लेते हैं। तो गाइस हमने सारे कनेक्शन इसके अच्छे से कर दिए, और ईसीयू देखो मैंने इधर लगा दिया, और उसके कनेक्शन भी आप देख पा रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं, मतलब कि कोई इधर उधर नहीं फैला हुआ। और दूसरे स्पीकर और ट्यूटर इधर लग चुके हैं, दोनों अच्छे से लगे हुए, और दोनों की वायर मैंने यहाँ से ले जाते हुए यहाँ कर दी, और इसकी मैंने यहाँ पर लगा दी, और जो दोनों वायर थी इसकी बैटरी के नीचे से होते हुए मैंने इधर लगा दी। तो अब ये देख पा रहे हो, अब पूरा मतलब तारों का सेटअप अच्छे से हो चुका है, और ये इंडिकेटर के लग गए और ऊपर भी लग गए। अब चलो इसको पैकअप कर लिया जाए, और पैकअप करने के बाद में इसकी थोड़ी टेस्टिंग वगैरह हम करते हैं। तो आप देख पा रहे हो मैंने पूरा पैक कर दिया अच्छे से, अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम लॉक, तो ये लॉक हो चुकी है। अब इसको करेंगे अनलॉक, ये अनलॉक हो गई। अब मारेंगे हम इसका सेल्फ, देखो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको एक क्लोज लुक दिखाता हूँ, तो ये अपना स्कूटर स्टार्ट हो गया। तो बंद करने के लिए हमने चाबी बंद करनी है बस। अब इसको हम ऑफ कर देते हैं, तो फिर अब दोबारा चालू करते हैं हम इसको। अब ये इसका अलार्म वाला, अगर आपकी गाड़ी कहीं मिल नहीं रही हो तो आप इसको बटन को दबा लीजिए। सो गाइज, आपको वीडियो देख के आइडिया हो गया कि आप अपने स्कूटर्स के अंदर किस तरीके से लगाएं, और आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी यूट्यूब्स के ऊपर, काफ़ी इन लोगों ने मतलब कि झंझट वगैरह करके पीछे तार डाल, यहाँ तार डाल, वहाँ तार डाल, तो यार मेरे बस की तो है नहीं देखो इतनी सारी तारे वारे डालनी। अपना तो एक सिंपल सा मेथड है भाई, सारी चीज़ें आगे ही होती हैं, बाइक हो या स्कूटर्स हो तो आपने वहीं से कनेक्शन करना है। तो बहुत ही ईजी तरीका था दोस्तों ये इसके अंदर कनेक्शन लगाने का और एंटी थीफ गार्ड लगाने का। तो बेनिफिट तो यही होगा, अगर कोई चोर चुराने की कोशिश करेगा तो उसके साथ में आपने वीडियो में देख ही लिया कि क्या होगा। और एक चीज़ और, तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मीटर की वीडियो कब आने वाली है, तो भाई मीटर की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि वहाँ से जहाँ से मैंने मंगाया था मतलब गेयरबिस्ट से, तो उन्होंने मेरे को एक नया मीटर है वो उन्होंने भेज दिया, तो अभी वो खैर रास्ते में ही होगा,
तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ में जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, खुदा हाफिज़।